स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सी द फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑफ लेसन नंबर 7, द नाउन नंबर्स. ओपन द पेज नंबर 18 एंड आई विल कंटिन्यू फ्रॉम आर्टिकल नंबर 34. सम नाउन्स हैव द सिंगुलर एंड द प्लूरल अलाइक, मतलब कुछ नाउन्स में सिंगुलर एंड प्लूरल एक जैसे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, स्वाइन, शीप, डियर, कोट, ट्राउट, सेलमन, मतलब उसमें एस या एस लगा के कुछ डिफरेंट नहीं करते हैं. तो ये सब क्या है, उनके एग्जाम्पल्स हैं. ओके, देन नेक्स्ट, सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन द प्लूरल्स. कुछ नाउन्स कैसे होती हैं, वो खाली प्लूरल्स में ही यूज होती हैं. कैसे, क्योंकि उन जो टू पार्ट्स में फॉर्म होती हैं या टू पार्ट्स से बनती हैं, जैसे बिलोज, सीजर्स, टंग, टोंग्स, पिंसर्स, स्पेक्टकल्स, और भी एग्जाम्पल्स हैं. जैसे अपने क्या बोलते हैं, गोगल्स, है ना, गोगल तो नहीं बोलते हैं, चश्मे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, गोगल्स. तो उनको सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एस ही यूज होता है. नेम ऑफ सर्टेन आर्टिकल्स एज ड्रेस, जैसे ट्राउजर्स, क्योंकि वो क्या होता है, टू पार्ट्स से फॉर्म होता है. इसी जीन्स, जीन नहीं बोलते ना अपने, क्या बोलते हैं, जीन्स, है ना. तो इसी तरह से ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं. सर्टेन अदर नाउन एज एनल्स, थैंक्स, थैंक तो नहीं बोलते अपने, हम हमेशा क्या बोलते हैं, थैंक्स ही बोलते हैं ना, इसी तरह से. फिर सम नाउन्स ओरिजिनली सिंगुलर एंड नाउ जनरली यूज इन द प्लूरल्स, जैसे एल्म्स, रिचेस, ईप्स, रिचेस डू मैनी थिंग्स. वैसे तो ये क्या है, सिंगुलर होती हैं, बट हम उसका यूज़ अब कैसे करने लगे हैं, प्लूरल्स में. द फॉलोइंग नाउन लुक प्लूरल बट इन फैक्ट दे आर सिंगुलर. क्या होता है, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स. जब आपका मैथ्स का सब्जेक्ट होता है तो आप कभी मैथ्स या मैथ नहीं बोलते ना, क्या बोलते हैं, मैथ्स या फिर मैथमेटिक्स. तो ये क्या है, प्लूरल में ही इसको हम प्रोनाउंस करते हैं. फिजिक्स, फिजिक नहीं बोलते, क्या बोलेंगे, फिजिक्स. इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, इकोनॉमिक्स, ऐसे सब इसके एग्जांपल्स हैं. ओके, द वर्ड न्यूज़, न्यूज़ भी क्या है, प्लूरल है, बट उसको सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज ऐसे ही बोलते हैं. ओके, नेम ऑफ सम कॉमन डिजीजेस, जैसे मीजल्स, मीजल नहीं बोलेंगे, जो मीजल्स डिजीज होती है तो क्या प्रोनाउंस करते हैं, मीजल्स, मम्स, रिकेट्स, है ना. नेम ऑफ सम गेम्स, जैसे बिलियर्ड्स, ड्रॉट्स, ये सब क्या है, उसके एग्जांपल्स हैं. अभी ये हमको नहीं करना है, ये ठीक है. ओपन द पेज नंबर 19, इसमें आर्टिकल 39 एंड 40 इज ओमिटेड एंड ऑल्सो 41. Now open the page number 20 and we will see the article 43. So some nouns have one meaning in the singular, two in the plurals. कुछ nouns ऐसे होते हैं जिनका singular में क्या होता है, एक ही meaning होता है, but जब वो plural मतलब उसमें s लग जाता है तो उसके दो meaning हो जाते हैं. जैसे example, colors, color. तो color का singular में क्या meaning होगा, only ह्यू. ह्यू मतलब टिंट, टोन या कलर को इंग्लिश में बोलते हैं. और जब कलर्स हो गया तो प्लूरल में उसके दो मीनिंग हो जाते हैं, ह्यूज भी होगा, द फ्लैग ऑफ अ रेजिमेंट. कस्टम, कस्टम मतलब मीनिंग उसका क्या होता है सिंगुलर में, हैबिट. और कस्टम्स का मतलब हैबिट्स भी होगा, और ड्यूटीज लेविड ऑन इम्पोर्ट, जो इम्पोर्ट पर ड्यूटी होती है उसको सॉरी कस्टम कहते हैं, कस्टम्स बोलते हैं ना. इफेक्ट, इफेक्ट का मीनिंग रिजल्ट, और इफेक्ट्स मतलब रिजल्ट भी होगा और प्रॉपर्टी भी होगा. मैनर, मैनर बोलेंगे सिंगुलर में तो ओनली वन मीनिंग निकलेगा के मेथड, है ना. मैनर्स मतलब मेथड्स भी होंगे और करेक्ट, करेक्ट बिहेवियर बोलते हैं ना कि आपको मैनर्स नहीं है, तो करेक्ट बिहेवियर को भी मैनर्स बोलते हैं. मोरल मतलब अमोरल लेसन,
और मोरल्स बोलेंगे तो मोरल लेसन भी होगा और कंडक्ट भी। इसी तरह से ये सारे क्या है और पूरे एग्जाम्पल से वो आप पढ़ लेना। ओके 44 सम नाउंस हैव डिफरेंट मीनिंग इन सिंगुलर एंड द प्लूरल। जैसे सिंगुलर में एयर का मीनिंग क्या होता है एटमॉस्फेयर एंड प्लूरल्स में एयर्स मीनिंग अफेक्टेड मैनर्स। पेज नंबर 21 सिंगुलर में गुड का मीनिंग बेनिफिट्स एंड वेल बीइंग बट इन प्लूरल्स गुड्स मीन मर्चेंडाइज। कंपास कंपास मीनिंग एक्सटेंट रेंज एंड कंपासेस मीनिंग एन इंस्ट्रूमेंट फॉर ड्राइंग सर्कल्स। आप कंपासेस का यूज करते हैं ना मैथ्स में। रिस्पेक्ट मीन्स रिगार्ड्स एंड रिस्पेक्ट मतलब कॉम्प्लीमेंट्स। फिजिक मीन्स मेडिसिन एंड फिजिक्स मीन्स नेचुरल साइंस। तो ये सारे क्या है इसके डिफरेंट मीनिंग आ जाएंगे। समझ में आया आपको। अब ये सारी हमको एक्सरसाइज ये सारे आर्टिकल्स नहीं करने हैं। तो आपका आज का चैप्टर फिनिश हो गया है। ओके रीड इट अगेन। थैंक यू।